अब अगर अपराधियों का उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है तो बाकी लोगों को पेट में, माथे में, सीने में दर्द हो रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। कानून का भय देखिए, कानून का भय देखिए कि हत्यारा तुरंत सरेंडर करता है और वो जेल में जाने तैयार है। ये योगी मॉडल है। यहाँ हत्या करके फरार हो रहा है और वहाँ हत्या करके डर से सरेंडर कर रहा है। शासन एक कानून व्यवस्था का इतना डर है कि अपराधी अपराध करने के बाद भी भागने का हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लगता है कि बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर हो सकता। बीती रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से कुख्यात अपराधी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की जो है तीन लोग जो है मिलकर उनकी हत्या कर देते हैं, उसके बाद तीनों लोग को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको लेकर के पूरे देश की राजनीति गरमाई है और बिहार की भी राजनीति गरमाई है। इसी पे जब सवाल किया गया, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं नीरज बबलू से, तो उन्होंने कहा है यही तो योगी मॉडल है, अगर कोई कुख्यात अपराधी है उसे हत्या कर जाती कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी तो वो बहुत क्राइम कर चुके थे, तो लगातार जो है लोग उनके पीछे लगे हुए थे। उन्होंने कहा है कि अपराधी की तो देखिए कि जब वो हत्या करते हैं तो योगी बाबा का जो है खौफ इतना है कि वो खुद ही सरेंडर कर देते। वहीं पे जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से ये हत्या हुई है पुलिस के हिरासत में, तो जंगल लाज आ गया, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बिहार नहीं है, बिहार में जो है अपराधी सारेआम जो है कोर्ट में हत्या करके जो है खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अपराधी अगर वहाँ पे हत्या करते हैं तो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। प्रदेश में सब कुछ ठीक है। अब अगर अपराधियों का उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है तो बाकी लोगों को पेट में, माथे में, सीने में दर्द हो रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। अगर कोई दुश्मन किसी को घर में घुस कर कोई मार देता है तो इसमें दुश्मनी का एक अपना पैमाना है, कोई आत्महत्या कर ले इसमें क्या बात है। अगर कोई उतना जुनूनी था वहाँ पे जाके मार दिया, दुश्मनी होगा, अगर दुश्मनी होगा। लेकिन आप कानून का भय देखिए, कानून का भय देखिए कि हत्यारा तुरंत सरेंडर करता है और वो जेल में जाने तैयार है। ये योगी मॉडल है और योगी का डर है, एक प्रशासन एक कानून व्यवस्था का इतना डर है कि अपराधी अपराध करने के बाद भी भागने का हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लगता है कि बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर हो सकता है, तो अपराधी तुरंत अपराध करके भी सरेंडर करता है। तो ये है योगी का शासन प्रशासन। और अपराधियों का अगर सफाया हो रहा है तो फिर ये ठीक ही एक तरह से। लेकिन आप लोग योगी मॉडल की बात करते हैं, क्या यही योगी मॉडल है कि प्रशासन की निगरानी के बीच में न्यायिक हिरासत में हत्याएं हो जाती है? न्यायिक हिरासत में यहां भी हत्याएं हो रही है। आप देखिए सहरसा में अभी महीना भी नहीं बीता है, सहरसा कोर्ट में घुस करके अपराधियों ने हत्या कर दिया। लेकिन अगर अपराधी को फरार है अभी भी, लेकिन अपराधी अगर अपराध करता है, अपराध करके वो अगर घूम रहा हो तो शासन व्यवस्था का फेल्योर है। अगर अपराधी अपराध करता है और तक्षण प्रशासन का इतना भय होता है वो सरेंडर कर जाता है, तो अगर कोई आत्महत्या करने तैयार है तो उसमें कानून व्यवस्था क्या करेगी? ये तो आत्महत्या है एक तरह का, ये तो इस तरह का घटना घटी है, वो आत्मसमर्पण कर दिया हत्या करने बाद। अगर यहीं कोई किसी की हत्या कर दे तो उसमें कानून व्यवस्था क्या कर सकती है? कानून व्यवस्था तब फेल होता जब अपराधी अपराध करके हत्या करके वो फरार होता और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस का भय देखिए, पुलिस का इतना भय है, बाबा का इतना भय है कि अपराधी अपराध करके भाग नहीं सकता है, बच नहीं सकता है, तो अपराधी अपराध किया तो तुरंत वहां सरेंडर कर दिया। ये तो कानून व्यवस्था का फेल्योर नहीं है। आपने कहा एक बात की जिस तरह से यहाँ कोर्ट में गोली मारकर हत्याएं की गई है वहाँ भी इस तरह की है, तो आप लोग कहते हैं बिहार में जंगल लाज, तो यूपी में भी जंगल नहीं, वहाँ जंगल लाज बिल्कुल नहीं है। यहाँ हत्या करके फरार हो रहा है और वहाँ हत्या करके डर से सरेंडर कर रहा है। कानून का इतना भय है वहाँ पे कि हत्या करने के बाद वो सरेंडर कर जा रहा है, ये भय है, ये कानून का भय, इसी को कहते हैं। इसको नहीं कहते कि हत्या कर दिया, कोर्ट में घूम रहे, कोई पकड़ने वाला नहीं, छपड़ा में हत्या कर दिया, घूम रहा। यहाँ हजारों हत्या हो चुका है जंगल राज में, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा रहे। आप देखिए अगर कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में घूम रहा तब हमको बताइए कौन अपराधी फरार चल रहा है। भैया प्रशासन का डर ये है कि अपराधी अगर गलती से अपराध करता है तो उसको प्रशासन का इतना डर है कि या तो सरेंडर कर रहा है या खुद से जेल में जा रहा है या फिर जो स्थिति बनी हुई है वहां। देखिए किसी को कहते हैं योगी मॉडल। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।